अंदर वाइट स्मोक निकल रहा था और मिस फायरिंग हो रहा था और कभी कभी किक से स्टार्ट नहीं हो रहा था, जाम हो रहा था, स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो रहा था। रॉयल एनफील्ड शोरूम में लिया गया, वो लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर पाया। जो प्रॉब्लम मैं इन्वेंट किया, मैं अलोंग विथ फ्यू अदर मैकेनिक्स, लोकल मैकेनिक्स, तो हम सब मिलके जो प्रॉब्लम निकाला वो क्या है, बहुत आसानी सा छोटा सा प्रॉब्लम है। जो पिस्टन बोर है, बोर के अंदर पिस्टन रिंग होता है, वो रिंग घिस गया था। यही रीजन था जो मोबिल है वो ऊपर आ रहा था, वो मिक्स हो रहा था ऑयल के साथ। इसलिए क्या हो रहा था, फ्यूज शॉर्ट हो रहा था, मिस फायर हो रहा था और ये इसके कारण वाइट स्मोक आ रहा था। और ये सिंपल सा चीज़ रॉयल एनफील्ड हर्षित टाइप नहीं पकड़ पाया। वो लोग मुझे बोला थ्रॉटल बॉडी खराब है, ये खराब है, वो खराब है। और एक तो उनका कोई सर्विस एडवाइजर और मैनेजर है अनुभव क्या नाथ है कि पता नहीं कुछ, वो तो मुझे कॉल करके बोला कि 6-7 साल हो गया बाइक, इसमें तो ऐसे प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो एनीवेज गाइस, तो आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत सिंपल सा एक प्रॉब्लम है। जस्ट आप इसका जो रिंग है पिस्टन रिंग, ये चेंज करने से ही आपका पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऊपर का कार्बन जमा हुआ है तो वो कार्बन साफ हो रहा है क्योंकि उसको लगाना है दोबारा। पेट्रोल लगे देखे आगुन दे दिया। अब सोचिए उनकी रॉयल एनफील्ड के जो रीजनल मैनेजर है अमलेंदु नाथ शायद उनका नाम है, फ़ोन किया और वो मुझे बोल रहे हैं कि 7-8 साल हो गया बाइक तो इसमें प्रॉब्लम आ गई। पर यार ये बाइक 100cc का बाइक नहीं है, ये 500cc का बुलेट, आई मीन नॉट बुलेट, क्लासिक 500 है क्रोम। तो आदमी बुलेट लेता है क्योंकि ये एक ऐसे गाड़ी है रॉयल एनफील्ड का जो सालों साल क्यों जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं। और आपका रीजनल सर्विस एडवाइज़र और रीजनल सर्विस हेड शायद प्रोबेबली रॉयल एनफील्ड का, वो बोल रहे 6-7 साल हो गया गाड़ी में तो प्रॉब्लम आएगा, ये वारंटी तो होगा, ये नॉर्मल है। गजब है यार आपका रॉयल एनफील्ड, हार्ले डेविडसन, ये सब बाइक बनते ही है फॉर मॉडिफिकेशन, फॉर लाइफ लॉन्ग जनरेशन टू जनरेशन पास ओवर वाले बाइक है ये। बस आपको आना चाहिए आपकी बाइक की काम थोड़ा बहुत, मुझे थोड़ा बहुत आता है, इतना नहीं आता है, लेकिन मैं प्रोफेशनल एडवाइस लिया मेरे लोकल मैकेनिक गैराज से तो ये लोग पकड़ पाए। और पता नहीं क्या सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर में ये छोटा सा चीज़ को नहीं पकड़ पाया, पता नहीं क्या सर्विस है इनके। उल्टा वो लोग खुद ब्लेम कर रहे हैं अपने ही कंपनी की गाड़ी को, बोल रहे कि रॉयल एनफील्ड 6-7 साल हो गया इसमें प्रॉब्लम आएगा। गजब बात है। एनी वेज गाइज, ये मैं जो पिस्टन रिंग है पिस्टन रिंग में चेंज कर दिया और उसके बाद जो है गाड़ी बटर स्मूथ हो गया, कोई मिसिंग नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इट्स रनिंग परफेक्टली फाइन। इतनी सिंपल सी चीज़ है। पिस्टन रिंग का दाम कुछ 700-750 रुपये का आता है और एक सीलेंट लगेगा, सीलेंट कुछ बाहर लोगे तो 50-60 रुपये का है, रॉयल एनफील्ड का कुछ 140 रुपये का एक है सीलेंट। और आपको जो पैकिंग किट है, पैकिंग किट का तो कितना ज़्यादा महंगा नहीं है, कुछ 100-150 रुपये के अंदर ही है। तो ये टोटल आपका 1000 रुपये के अंदर खर्चा होगा और बाकी डेफिनेटली मैकेनिक तो ये पूरा इंजन खोलना पड़ेगा तो उसको 600-700 या 1000 के अंदर रुपया लेगा। तो ये जैसे मैं खुद किया हूँ और ऑब्वियसली आई हैव टेकन प्रोफेशनल हेल्प, ये सब मुझे हेल्प किए हैं, इनको सब आते हैं, ये लोग तो सब एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए मुझे इतना नहीं लगा। लेकिन फिर भी ये सिंपल सा एक चीज़ है और पूरा गाड़ी मेरा फर्स्ट क्लास अभी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर का भी अभी इंजन लगा ही रहा है तो ऊपर भी जो आपका हाइड्रोलिक है उसके ऊपर भी थोड़ा कार्बन जमा हुआ है तो वो कार्बन साफ किया जा रहा है।
तो यार वो लोग को तो नॉर्मल उतना सा ही चीज़ लग है। गया। ये है सी लेंट आप अरे साइड मैं में अजीब देख रहे कैसे हैं, बोलूंगा रॉयल यार, इनफील्ड का ही सी लेंट है। लैम्बोर्गिनी बाकी था उधर अब गया था मुझे उधर गया पैकिंग किट था। नहीं मिला था, तो मैं जो एग्जैक्टली पैकिंग किट था तो वही मैं तो पैकिंग किट को आपको बोला यही कि बोल उसी रहा था को अंदर थोड़ा संभाल के लाने रीयूज़ करने के लिए, तो का वही रीयूज़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। क्योंकि 500 का पैकिंग किट मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 500 तो मार्केट में उतना ज़्यादा कंप्लेंट नहीं आता है, कि शायद आता है शायद काम नहीं होते, पता नहीं क्या उसको जल्दी मिलता नहीं है शायद, तो इसलिए मुझे भी नहीं मिला, तो उसी को रीयूज़ हो रहा है। अभी देखिए किस हो रहा है, थोड़ा पेट्रोल वेट्रोल से ये जो ऊपर का मैंने जो कार्बन जमा हुआ है उसको। बाकी ये तो लोकल मैकेनिक है जो मुझे कभी कभी एडवाइस करते हैं, जैसे ये एक है, ये इनका नाम है बापीदा हम बोलते हैं कलकत्ता में, और दूसरा है दिलीप, ये तो पहले शायद काम भी करता था रॉयल इनफील्ड में। दोनों को अच्छा आइडिया है, मैंने रॉयल इनफील्ड के बारे में, कोई भी बाइक के बारे में अच्छा आइडिया है, तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, मुझे तो ज़्यादा बहुत कुछ नहीं आता है, मैं इनसे सीखता हूँ, कभी कभी नेट से सीखता हूँ, और सब मिलके हम बनाते हैं बाइक, थोड़ा बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है मॉडिफाई करना ऐसे बाइक वाइक थोड़ा, तो इसलिए दिस पीपल सजेस्ट सिंपली चैम्पियन, कोई भी प्रॉब्लम हो ये लोग पकड़ लेते हैं तुरंत। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं वो पैकिंग किट नहीं मिला था, तो उसी को ही रीयूज़ कर रहे हैं, तो उसी पे अभी सीलेंट लगा रहे हैं हम लोग, ये बापीदा लगा रहे हैं सीलेंट, अभी जो दिया वो दिलीप है। তারপরে এই রোজা আছে আমারও তাই যাচ্ছে।